जुलाई 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब की हुकूमत ने आने से पहले बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे मंजन बेचने की कोशिश की, लेकिन एक जो उनमें से सबसे ज़्यादा वो अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में इस्तेमाल करते रहे वो ये था कि जी मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा और नया पाकिस्तान बिल्कुल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या वेलफेयर स्टेट्स की तर्ज पर होगा। बड़ी वो मिसालें देते थे स्वीडन की, नॉर्वे की, डेनमार्क की, जो जिनको वेलफेयर स्टेट भी कहा जाता है दुनिया के अंदर। तो क्योंकि मैं इस आई बीन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स और सो, सो एक थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग भी है इनका सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है, और बीइंग अ पाकिस्तानी थोड़ा सा अंदाज़ा भी है कि हमारा सिस्टम की क्या डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट्स की लोगों की से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और लोगों की गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि नया पाकिस्तान में 1.5 साल के बाद आया पॉलिसीज़ खान साहब ने उस तरह की तरफ बनाई हैं कि जो एक इस पाकिस्तान को, नए पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बना सकें। उसके अलावा हम थोड़ा सा इसको एजुकेट करने की भी कोशिश करेंगे कि व्हाट डज वेलफेयर स्टेट मीन बाय। एक नारा तो लगाना आसान है, बेचारी सादी सी हमारी आवाम है, ढोल की थाप पे रक्स करती हुई खुश है, बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लो, खुशी खुशी चल पड़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा उसको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इट मीन्स बाय सोशल वेलफेयर स्टेट। सोशल वेलफेयर स्टेट के अंदर जो सिस्टम ऑपरेट करता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट करता है, सो टू से, वो है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। उसको मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम इसलिए कहते हैं कि वो कैपिटलिज्म का भी उसमें टच है और सोशलिज्म का भी है। आई मीन यू आर फ्री टू यूज़ योर कैपिटल, यू आर फ्री टू यूज़ योर कैपिटल इन द इकॉनमी, आपको एक फ्रीडम भी है। हाउएवर गवर्नमेंट इंटरवीन भी कर सकती है, जो उसके एक सोशल स्पेंडिंग एम है वो उनके हसूल के लिए वो आपके साथ या कॉरपोरेट के साथ इंटरवीन भी कर सकती है। तो इट्स अ मिक्स कम्बिनेशन, और इसके ऊपर बेस भी है कि यार आया मेक्स इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। बहरहाल इस सिस्टम को बड़े एक अच्छे तरीके से ये लोग यहाँ पे चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम में थोड़ा सा रहते हैं तो आपको पता चलता है कि इनका टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आई मीन यार आपसे ना गवर्नमेंट 1 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर आपसे लेगी, ना आपको 1 रुपये छोड़ने देगी, और आपके बहुत बड़ा जो टैक्स कलेक्शन लेती है आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट, वो आपके लगाती है सोशल सेक्टर के ऊपर, लोगों की उसमें तालीम होगी भी है पे स्पेंड करती है, हेल्थ पे करती है, वो हम आके जाके उसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है अपने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर ट्रस्ट। आई मीन लाइक दे आर नॉट शाई टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि उन्हें पता है गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, और ये हमारे इदारे ये टैक्स कलेक्ट करके वापस हमारे ही सोशल वेलफेयर के ऊपर लगाते हैं। और यहाँ का टैक्स सिस्टम ऑपरेट भी बड़े मज़े का करता है। इट डिपेंड्स कि आप कितना पैसा, आपकी सैलरी क्या है और आपकी अर्निंग क्या है। मतलब अगर आप जस्ट एक ऑड जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल आई वुड से व्हेन आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट, तो जो मैं टैक्स पे करता था उसकी आई स्टिल रिमेंबर परसेंटेज थी 3%, 4%, क्योंकि वो आपकी अर्निंग के ऊपर होता है। और अगर वही अगर आप किसी आप आई मीन लाइक इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट CEO यू मस्ट हैव टू पे अराउंड 60% और मे बी 65% ऑफ योर सैलरी एज अ टैक्स। सो आपकी जितना आपकी एक कमाते जाते हो उसी के ऊपर आपका टैक्स रेशो बढ़ता जाता है। तो इसकी एक जो लॉजिक है इसके पीछे उनका ये इन वेलफेयर स्टेट्स की कि यार इसकी लॉजिक क्या है कि ये परसेंटेज क्यों बढ़ती है। इनके मुताबिक आप अगर आपको अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, आप जितनी अर्निंग कर रहे हो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है उन लोगों के ऊपर, आपके एक सबके इक्वली डिवाइड हो जो लोग थोड़े से कमज़ोर तबका है, पिसा हुआ तबका है। अब इस मिसाल को हम जब ज़रा ले कर चलते हैं अपने नए पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल में हमें सिर्फ मायूसी ही नज़र आती है। वो शबर जैदी साहब थे, वो बड़े एनर्जेटिक होकर आए, जब तक ना ये जो थोड़े से ना हमारे ये जो कॉरपोरेट असद उम्र हो गए, शबर जैदी जैसे लोग हो गए, ये रियलिटी से भी बड़े दूर हैं। ये आते हैं ये ना, इनको लगता है थियोरेटिकली इकोनॉमी सारी चल सकती है, और कुछ हमारे लोगों की आदतें भी बुरी हैं क्योंकि हमें टैक्स की तो आदत नहीं है। तो जो बंदा टैक्स लेने आता है वो तो हमें धरोहा ही लगता है कि यार ये तो बस काम ख़राब है क्योंकि टैक्स देने की आदत नहीं है। अब इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये मेंशन था कि पाकिस्तान में इस दफ़ा जो टैक्स देने वालों की तादाद है वो जस्ट 1% है। इवन इंडिया भी 4% से ऊपर चला गया है। 1% लोग टैक्स देकर 99% लोगों का पेट पाल रहे हैं, और वो 1% लोग भी कौन हैं? मोस्ट ऑफ देम दे आर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास। अब ये लोग वो हैं जिनकी सैलरी से ऑटोमेटिक टैक्स कट भी जाता है, और टैक्स देना किसको चाहिए? ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर में लोग बैठे हुए हैं, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं है, पूरे प्लाट खरीद रहे हो बेच रहे हो कोई नहीं है, 10-10 आप घर रखो आप कोई टैक्स नहीं दोगे, गाड़ियाँ 10-10 रखी हुई आप कोई टैक्स नहीं दोगे। तो ये जो बिग फिशेज़ आई यूज़ टू से
कि इनके ऊपर कितना हाथ डाला है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो कितना उन पर अमल हो सका है, तो मुझे लगता है कि चाहे तो वो 10% भी अमल नहीं कर सके, क्योंकि जब वो हुकूमत उनके पास आई है तो उन्हें रियलिटी समझ आई है कि रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट व्हाट असद उमर और शबरी जी यूज़ टू रीड इन इकोनॉमिक्स बुक्स। दूसरी और बड़ी अहम चीज़ जो इन सोशल वेलफेयर स्टेट्स में है वो है फ्री एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस तरह ऑपरेट करता है कि बहुत सारे जो स्कूलिंग की जो स्पेंडिंग है, जो इनका बजटिंग है, वो करती है इनकी गवर्नमेंट। अब जब आप टैक्स पे करते हैं, सच हाई टैक्स पे करते हैं, तो उसके बाद हो क्या जाता है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क का हर बच्चे को फ्री एजुकेशन और इक्वल एजुकेशन मिले। चाहे आप किसी बहुत बड़े ऑफिसर कैडर के बेटे हों, चाहे आप बिल्कुल किसी अनएम्प्लॉयड के बेटे हों, स्कूल आपको इक्वली ट्रीट करेगा। स्कूल के लिए आप सब बराबर हैं, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है। अब हो क्या जाता है, जब आपके पास फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है, ये एक आपको ना बड़ा एक ना फ्री माइंडसेट के साथ बच्चे की तरबियत हो रही होती है। अब स्कूल के अंदर चाहे आपको वो डे केयर हो, चाहे आपके आगे स्कूलिंग हो, उसके अंदर आपको ड्यूरिंग द डे टाइम लंच जो है वो स्कूल की तरफ से होगा। उसकी रीज़न ये है इक्वलिटी। इन लोगों का ये बिलीव है कि जब बच्चा एक दफ़ा आ गया, जो बच्चा यहाँ, इसका मतलब है यहाँ ये सब बराबर हैं। कोई भी बच्चा किसी हायर क्लास का या कोई भी बच्चा किसी गरीब फैमिली का नहीं है, बच्चे सब बराबर हैं, सब वही खाएंगे, सब वही पियेंगे जो सबके सब बच्चे हैं। और अब अगर इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं फ्री एजुकेशन की तरफ, नया पाकिस्तान कहाँ तक गया है फ्री एजुकेशन में, तो कुछ मैं उस दिन गिलगित की पिक्चर्स देख रहा था, वो बेचारे बच्चे बर्फ़ में बैठे हुए और वो लिखी जा रहे हैं पाकिस्तान के एजुकेशन का बड़ा फर्क हुआ है। 3-4 डिफरेंट क्लासेस हमने पैदा कर दी हैं। एक क्लास है सरकारी क्लास, जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, वो तो हम लेते ही है, मतलब किसी हम खाते में ही अब वो नहीं ले रहे। दूसरी क्लास हुई है प्राइवेट स्कूल क्लास। ये तो मेरे ख्याल में प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में एक धंधा ही है, बुरा है जैसा भी है, बट धंधा है, पैसा दे रहा है। हर दूसरे तीसरे ने स्कूल खोले हुए हैं। कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में, आई डोंट थिंक सो। और मैन उनका यही है कि यार बस ठीक है, पैसे छापी जाओ। तीसरी क्लास जो होती है वो आपकी एक होगी बर्गर क्लास, एलीट क्लास, जो सारी ए लेवल ओ लेवल करती है और जिनको एक मतलब ठीक है मुंह टेढ़े सीधे करके थोड़ी इंग्लिश बोलना भी आती है, तो मतलब उस सब में क्या बेहतरी हुई है। मुझे तो 1.5 साल में कोई सरकारी स्कूलों का कोई सिस्टम इम्प्रूव होता नज़र नहीं आया, कोई सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम बनता नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल में खान साहब, आपने ना जो इतनी बातें बाकी भी की थी अवाम के साथ, ना जो जितना एक फ्रॉडलेंट आप थे, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप खुद भी बिलीव करते हैं। आप खुद एचिसोनियन आप कहते रहते हैं, आप खुद बिलीव करते हैं कि यार देर शुड बी अ क्लास जो रूल करने के लिए पैदा हो, एंड देर शुड बी क्लास जो हम जैसे लोग हैं जिन पे आप लोग रूल कर सकें। तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी वो है हेल्थ सिस्टम। यहाँ का आप हेल्थ सिस्टम भी अगर देखते हैं, इट्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक योर एजुकेशन सिस्टम। आई मीन लाइक इफ यू आर पेइंग द टैक्सेस, गवर्नमेंट इज फंडिंग ऑल दो सरकारी हॉस्पिटल्स। अब उन सरकारी हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब उस पर आप कोई डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी अर्निंग है आपकी, आप कितने अमीर हैं या आप कितने गरीब हैं, वो फ्री फॉर ऑल है वो सिस्टम। और बच्चों के लिए इतना फैसिलिटी दी गई है कि तकरीबन जब तक वो एडल्ट नहीं होते, 18 से 20 साल तक जो है, तो उनका सारी इलाज भी फ्री है, उनकी सारी दवाइयाँ भी फ्री हैं। तकरीबन 25-26 साल, एग्जैक्ट नंबर मेरे दिमाग में नहीं है, कि तब तक उनकी डेंटिस्ट्री का यहाँ इलाज थोड़ा सा महंगा है छोटी से, लेकिन वहाँ तक उनका ईयरली चेकअप्स तक भी फ्री हैं। और अगर अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ इस तरह के क्रॉनिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा आपकी डॉक्टर के विजिट्स भी होते रहते हैं, तो बिल्कुल बेसिक फ़ीस के साथ आप जाते हो और आपका इलाज है, बिल्कुल बेसिक फ़ीस, जो पाकिस्तानी 500 रुपये भी नहीं बनती। 500 तो पाकिस्तान में हकीम भी अब नहीं लेता, तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, उसके बाद ये अगर आपके ना बहुत सारी आपकी जिस तरह क्रॉनिकल डिजीज़ में आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, इवन आफ्टर सर्टन अपॉइंटमेंट्स इन अ ईयर, आपको बेसिक फ़ी भी नहीं देनी पड़ती। और हेल्थ केयर सिस्टम भी इस तरह का प्रोवाइड किया गया। अब उसको अब मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा नया पाकिस्तान में, जिसने बनना था एक सोशल वेलफेयर स्टेट की तर्ज पे, वहाँ पे हम देखें तो मेरा नहीं ख्याल है कोई बिग इम्प्रूवमेंट आई है, कुछ एक विल पावर भी नज़र नहीं आई है कि सोशल हेल्थ सेक्टर में कि कुछ मेजर हम तब्दीली करना चाहते हैं। मुझे याद है जब हम ये खान साहब तकरीरें करते थे, तो वो एक कोई डॉक्टर है शौकत खानम का, हेड भी है, उनकी तरह इशारा करते थे, इस बंदे को मैं फेडरल में लाऊंगा, और जिस तरह इसने निज़ाम बनाया है शौकत खानम का, उस तरह पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में बनेगा, ठीक है। मतलब हम समझते हैं 1.5-2 साल कम अरसा है, हम ये भी समझते हैं वेलफेयर स्टेट्स से बड़े बड़े तो हमारे शहर हैं, लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन एक डायरेक्शन तो नज़र आनी चाहिए ना।
I think we are just directionless under the leadership of Imran Khan. ایک اور ٹاپک جس کے اوپر میں بات کروں گا جو وہ یہاں پر ہے وہ ہے جسٹس سسٹم. وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ایگزیکٹلی اگر یہ ماڈل آپ یہاں پر دیکھیں نا تو یہاں کا جسٹس سسٹم از فار آل. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یار آپ کون ہیں, کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اف یو ہیو ڈن سم تھنگ یو ہیو ٹو پے دا پرائز. اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی بڑا اچھا طرح کیا اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. پولیس کا یہاں پہ ٹرسٹ لیول آپ دیکھ لیں تو آئی تھنک ان مختلف سروس میں اٹ واز مور دین 99%. یہ ون آف دا مین ریزن ہے, پیپل دے ٹرسٹ دیئر سسٹم. اور سسٹم ڈیولپ بھی اس طرح کیا ہو گیا ہے کہ سسٹم نے اپنے اوپر اپنا ٹرسٹ لوگوں کا قائم کیا ہوا ہے. اگر فار ایگزامپل یہاں پر اس طرح ہے کہ اگر آپ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کرمنل افینس ہوا ہے یا کچھ بھی چیز ہوئی ہے اور اگر آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور آپ ایک لائر تک افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایک لائر دے گا, دیر ول بی سم ون ہو ول ریپرزینٹ یو ان دا کورٹ. تو مطلب آپ کی ہر ایک چیز کی نا ایک ذمہ داری پوری لی ہوئی ہے. اب اس کو ہم ذرا نئے پاکستان میں کمپیئر کرتے ہیں. عدالتوں کا ہمارے سسٹم کا آوے گاوا بگڑا ہوا ہے. اٹس ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, اٹس فرام اوور دا ایئرز. کیس ہیں سالوں سال, پوری پوری نسلیں چلی جاتی ہیں, بچے آپ کے جوان ہو جاتے ہیں, فیصلے نہیں آتے ہیں. اور وکیلوں کی تو ہم پچھلے اپنے ایک ولاگ میں بات کر ہی چکے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں. ججوں کے بھی حالات کوئی زیادہ برے نہیں ہیں, کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں. ان کے بنا ان کی بھی کہتے ہیں ہماری اس طرح ایک مناپلی بنی رہے اور ہر طرح کے ہم چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے کوئی بھی معاملات ہیں وہ سارٹ کر دیتے ہیں. بہرحال ریاست کیس میں کیا رول ہے وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جسٹ ایک مایوس کن ہے. آئی کان سی اینی ڈائریکشن کیا جس میں ہم نے یہ کوشش کی ہو کہ ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے ود ان ون ایئر اور ٹو ایئرس ہم نے یہ سب کیسز کو ختم کرنا ہے, یا ایک ایک پورا ایک سسٹم بنائیں کہ اگر ایک جج کے پاس یا ایک ایک کیس اسٹارٹ ہوتا ہے اس کیس کو ود ان 3 یا 6 منتھ میں وائنڈ اپ بھی ہونا ہے, اور یا اگر وائنڈ اپ نہیں ہونا تو اس کی ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ڈیفائن کر لیں, ججز کی پروموشن اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دیں. مطلب ڈو سم تھنگ یار. تو جسٹس سسٹم ہمارا مجھے لگتا ہے بالکل فیلئر ہے, بگ فیلئر. اب چیز ویلفیئر اسٹیٹ کی ہم نے جتنی بھی اوپر باتیں کی ہیں کہ یہاں لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں, فری ایجوکیشن, ہیلتھ, جسٹس سسٹم سب اچھا ہے, لوگ اتنا اس کے باوجود بھی اتنا ہائی ٹیکسز ہیں. مطلب آدھی آدھی 50% آپ کو اپنی سیلری گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے, لوگ پھر بھی اتنا خوش ہو کے کیوں دیتے ہیں؟ اس کی ون آف دا مین ریزن ہے پیپل ٹرسٹ دیئر سسٹم, پیپل ٹرسٹ دیئر ڈیموکریٹک سسٹم سو ٹو سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دے نو کہ یار ان کے پولیٹیشینس ہیں, ٹھیک ہے وہ پیٹی بھی ہوں گے لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ان کا پبلک اسپینڈنگ ہے ایک ایک روپے کی ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ابھی مطلب میں ایک اس دن پکچر دیکھ رہا تھا بڑی سوشل میڈیا پہ تھی کہ یار سویڈش پرائم منسٹر اسٹاکہولم کیپٹل سے بیٹھا ہے, اس کی گوتم برگ میں میٹنگ تھی اور ایس جے لائن ہے جو ان کی ایک نارمل لائن ہے جو جاتی ہے اسٹاکہولم ٹو گوتم برگ, اس میں وہ آیا اپنا بیگ لے کر اور اسٹاکہولم پہ ادھر اترا ہے ٹرین اسٹیشن پہ, یہاں سے ٹیکسی لی ہے سیدھے ہوٹل چلا گیا. مطلب ڈیٹ واز اے بگ نیوز. اور یہاں کے لوکل کے لیے اوکے, کوئی اس نے کوئی اتنا بڑا تیر تھوڑا ہی مارا ہے بھائی, ہمارے پیسے ہیں. اگر وہ اپنا فلائٹ لے کر آتا ہے تھوڑا ہی ہے کہ یار چارٹر تیارے بک کرے اور اسٹاکہولم سے یہاں تک آتا رہے. اور یہ اوور آل یہاں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ جتنے بڑے عہدے پر آتے ہو آپ کے پاس پبلک کا پیسہ ہے, آپ نے اس ایک ایک پیسے کو اس طرح لگانا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اب اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں خان صاحب کے اوپر, ان کے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نیا پاکستان کدھر گیا ہے. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم ہاؤس بنے گا یونیورسٹی, کیا وہ بنی؟ نہیں. ان کا یہ تھا کہ یہ او نواز شریف جاتا ہے پورے پورے تیارے لے کر, فیملی لے کر جاتا ہے, میں تو بالکل نہیں جاؤں گا. چارٹر تیارے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں. منسٹرز کے آپ حالات دیکھ لیں, وہ چیف منسٹر مطلب کین یو امیجن یار, وہ بھی اب ہیلی کاپٹر پہ گھوم پھر رہا ہے جیسے ساری زندگی میں لگتا ہے گاڑی پہ بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ ہمارے اوور آل حالات ہیں. یہاں کوشش ولاگ کی یہی تھی کہ یار کہ تھوڑا سا نا ایک تھوڑا سا ریویو دیں کہ یار اف سوشل ویلفیئر اسٹیٹ واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین بائے, اور اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اتنے 1.5-2 سالوں میں خان صاحب اس ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.